हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिंग स्टैक। मेरा नाम है यश और आज हम लोग करने वाले कुछ पैटर्न्स के सवाल। जो सबसे पहला पैटर्न है वो बेसिक पैटर्न है। हम लोगों को ये प्रिंट करना है हर एक लाइन में 5 स्टार, और ऐसे टोटल 5 स्टार हमें प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जब एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आपको रोज और कॉलम में एक साथ करना हो तो उसके लिए नेस्टेड लूप लगेगा। यानी नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप। तो बना लेता है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 5, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। इधर ये 1 होगा और इधर ये नहीं होगा। अब ऐसा क्यों किया, ये जो आउटर लूप है पहला लूप, ये मैंने किया है फॉर नंबर ऑफ रोज। उसके बाद वापस ये लूप बनेगा हर एक कॉलम के लिए फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। हर एक लाइन में हमें 5-5 बारी प्रिंट करना है, इसलिए 5 लिया है। एंड देन सिस आउट स्टार, इसको जब आप रन करेंगे सॉरी वो हर एक लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, तो सिस आउट एलन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर हर एक लाइन में हमें हर एक बारी जब ये प्रिंट होगा तब हमें नया लाइन नहीं चाहिए। जैसे ये 5 बारी प्रिंट हो जाएगा तब एक न्यू लाइन में आएगा और वापस पूरा रो प्रिंट करेगा। तो उसके लिए ये देखिए, अब ये पूरा 5 बारी प्रिंट हो गया। अब जो दूसरा पैटर्न का सवाल है वो ये है कि ऐसे ट्रायंगल में प्रिंट करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका लॉजिक ये बनता है कि जब रो फर्स्ट है तो खाली 1 बारी प्रिंट होगा, जब रो सेकंड है तो 2 बारी प्रिंट होगा, जब रो थर्ड है तो 3 बारी प्रिंट होगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जो रोज के लिए था और ये वाला कॉलम्स के लिए था। तो अब इसको जब आप रन करेंगे तो ये देखिए मेरा पूरा ये प्रिंट हो गया ट्रायंगल में। अब इसमें एक और वेरिएशन आता है ये वाला। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप ये देखिए कि स्टार्स तो उसी हिसाब से प्रिंट हो रहा है पर उसके पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। अब स्पेसेस किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं कि अगर रो नंबर 1 है तो टोटल जितना बारी प्रिंट करना उसमें से 1 कम हो रहा है। फर्स्ट टाइम में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इधर फॉर एंड के ओके एंड के इक्वल्स टू 5 माइनस i, यानी जितना रो है उसमें से ये माइनस करेंगे, के शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, के प्लस प्लस के माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, दिस आउट स्पेस में हर एक बारी स्पेस प्रिंट होगा। तो ये देखिए हमारा ये बन गया, पहले बारी में 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 0 स्पेस। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आई 1 है तो के का वैल्यू 4 से लेकर 1 तक जाएगा तो 4 स्पेस प्रिंट होगा। जब 3 से लेकर 1 तक जाएगा 3 स्पेस प्रिंट होगा, 2 से लेकर 1 तक जाएगा 2 स्पेस प्रिंट होगा, 1 से लेकर 1 तक जाएगा 1 स्पेस प्रिंट होगा। उस हिसाब से ये वाला पैटर्न चलेगा। अब जो दूसरा पैटर्न है वो ये है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। तब उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं इधर 4, ये वाला पोर्शन तो सेम एज इट इज़ है इसके जैसा, जो भी हमने किया उसमें फ़र्क क्या आ रहा है। ये वाला एरिया स्पेस को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, इधर से आप कीजिए कितनी बाजी जाएगा, 2 into i-1। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कितना स्टार प्रिंट होगा ना। तो कॉलम्स में हम कितना स्टार प्रिंट कर रहे हैं देखते हैं, जब फर्स्ट टाइम है तो 1 ही प्रिंट कर रहे हैं, जब दूसरा टाइम है तो 3 प्रिंट कर रहे हैं, जब तीसरा टाइम है तो 5 प्रिंट कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि जब आप इस रो के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करो तो ये वाला पैटर्न आपको मिल रहा है। तो 2 into 1 is 2 - 1 is 1, 2 into 2 - 4 - 1 is 3, तो 3 into 2 - 1 is 5, तो ये 5 बारी प्रिंट हुआ। 4 into 2 - 1 is 7, तो 7 बारी प्रिंट किया।
5 × 2 − 1 = 9, तो 9 बार ही प्रिंट किया। तो बस वही लॉजिक यहाँ पे लगाया मैंने। इसको अब आप रन कीजिए तो ये प्रिंट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप असाइनमेंट में ये वाला पैटर्न लीजिए, इसको प्रिंट कीजिए, और जब ये वाला आपका सॉल्व हो जाए तो उसके साथ आप ट्राई कीजिएगा कि ऐसे इस तरीके से भी एक प्रिंट हो, कि ऐसे ऊपर एक ट्रायंगल है, फिर नीचे भी एक ट्रायंगल, और दोनों मर्ज, समझ रहे आप, स्टार के रूप में आप इसको ऐसे कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।